हाय एवरीवन, यू वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं बास और इस वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल के बारे में। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोलेटरल बोलते किसे। तो देखिए, आप जब भी किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको ऐसे ही तो लोन दे नहीं देगा, तो कोलेटरल आपको वहां दिखाना पड़ता है। कोलेटरल बोलते हैं कोई एक ऐसा एसेट जो कि आपका लेंडर आपसे मांगता है और आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूं तो आप कुछ चीज़ एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखते हो, उसे बोलते हैं हम कोलेटरल। एग्जांपल, जैसे मुझे लोन लेना है तो मैं अपना घर जिसमें रहता हूं या फ्लैट ये दिखा सकता हूं, FDs होती हैं हमारी, LIC है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप एज अ कोलेटरल दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल। मतलब आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपके पास कोलेटरल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास कोलेटरल है लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको अनसिक्योर्ड लोन मिले, तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेंडर्स के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, कितना लोन आपको मिल सकता है अनसिक्योर्ड या कोलेटरल फ्री लोन, उसके ऊपर बात करेंगे। एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन लोन अगर आप बिना कोलेटरल के लेते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंडर्स की। तो देखिए, जब आप अनसिक्योर्ड लोन लेने जाते हैं या एजुकेशन लोन विदाउट कोलेटरल, तो आपके पास तीन प्लेयर्स आते हैं एजुकेशन लोन के लिए। नंबर वन है बैंक्स, ठीक है। बैंक्स में आपके पब्लिक बैंक्स भी होते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, लेकिन जो पब्लिक बैंक्स होते हैं जैसे कि SBI, BOB, ये आपको सिर्फ 7.5 लाख तक का ही लोन देंगे बिना कोलेटरल के। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर लोन लेते हैं, वो या तो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए लेते हैं या इंडिया के लिए भी लेते हैं, लेकिन जो अब्रॉड के लिए ज़्यादातर देखा है मैंने, जो लेते हैं लोन, तो उसमें आपको 7.5 लाख के लोन में तो आपका काम बन नहीं पाएगा। आपको चाहिए होगा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ठीक है, वो अलग अलग कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो पब्लिक बैंक का ऑप्शन होता है कोलेटरल फ्री लोन में, वो तो हट गया। अब दूसरे ऑप्शन आते हैं आपके पास प्राइवेट बैंक्स, उसमें आपके पास आता है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। तो ICICI बैंक आपको 40 लाख तक लोन दे सकता है मैक्सिमम, और एक्सिस बैंक भी आपको 40 लाख तक लोन दे सकता है बिना कोलेटरल के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अब देखिए ICICI का स्टार्ट होता है 10.75% से, और एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो उनका भी ऐसे ही 11.25 के करीब से स्टार्ट होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टार्ट जितने से हो रहा है उतने ही इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। तो देखिए, जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब आप जाएंगे लोन लेने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें चेक करेंगे आपकी, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, स्कोर कितना आया, या अगर आप बाहर विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो GRE स्कोर कितना है, एकेडमिक स्कोर कितना है, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। को एप्लीकेंट चेक करते हैं, को एप्लीकेंट कौन होता है, जैसे मान लीजिए मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे फादर मेरे को एप्लीकेंट हो सकते हैं, या कोई मेरे रिश्तेदार, मेरे अंकल, ठीक है, जो मेरे साथ एक तरह से मतलब लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी इनकम देखी जाती है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 साल का, अगर आप वर्किंग हैं तो आपकी सैलरी स्लिप देखी जाएगी, बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक स्टूडेंट की प्रोफाइल एजुकेशन लोन के लिए। उसके बाद डिसाइड होता है आपका इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को ICICI बैंक से 11% ROI मिला, किसी को 11.25 मिला, किसी को और कम भी मिल गया, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, उसकी प्रोफाइल के ऊपर वेरी करेगा, ठीक है। इसी तरह एक्सिस बैंक का है, उनके पास भी यही है कि वो जैसे मैंने बताया था 11.25 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और आगे उनका जो इंटरेस्ट है जाता रहेगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अब एक्सिस बैंक ने क्या कर रखा है, लिस्ट बना रखी है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की। तो इसके अंदर तीन के पास लिस्ट है एक्सिस बैंक के ऊपर, प्राइम ए, प्राइम बी और नॉन प्राइम। प्राइम ए में क्या होता है, टॉप मास्टर्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आती हैं, टॉप कोर्सेज। उसके बाद प्राइम बी में जो मास्टर्स कोर्सेज प्राइम ए में नहीं थे जिन यूनिवर्सिटीज़ के, वो प्राइम बी में आते हैं, और कुछ UG कोर्सेज भी आते हैं। और नॉन प्राइम में आता है जो भी प्राइम ए प्राइम बी में नहीं था वो नॉन प्राइम। तो अगर आपका कॉलेज प्राइम ए में है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं एक्सिस बैंक से लोन लेने के, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड होता है एक्सिस बैंक के लिए कोर्स पीरियड प्लस 12 मंथ्स। अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, ये वो वक्त होता है जिसके अंदर आपको एजुकेशन लोन की जो रीपेमेंट है वो नहीं करनी होती। मतलब एजुकेशन लोन हॉलीडे आप कह सकते हो कि रीपेमेंट जो आपको करनी है आपको नहीं करनी पड़ रही, ठीक है।
तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद 12 महीने और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये बात हो गई हमारे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं बिना कोलेटरल के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था मैक्सिमम 40 लाख मिल सकता है आपको आईसीआईसीआई बैंक से, और जैसे कि यूजी कोर्सेज के लिए भी आपको आईसीआईसीआई बैंक से अप टू 20 लाख मिल सकता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रीज होती हैं उसके हिसाब से भी डिफरेंस आता है लोन के अमाउंट के अंदर। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 40 लाख मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी को 40 लाख रुपए का लोन मिल जाए बिना कोलेटरल। किसी स्टूडेंट को 30 लाख का मिलेगा, किसी को 25 का मिलेगा, ठीक है। वो किस कंट्री में अप्लाई कर रहा है, किस कोर्स में अप्लाई कर रहा है, स्टेम कोर्स है नहीं है क्या है, सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यूएस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं एमएस करने के लिए, तो उन्हें वहां मिल जाएगा 40 लाख तक का लोन। दूसरी कंट्रीज हैं कनाडा वगैरह, जर्मनी, यहां आपको 25-30 तक मिल सकता है। आयरलैंड वगैरह जाएंगे तो फिर और कम आपको लोन मिलेगा, 18-20 इस तरह का, ठीक है। बाकी तो आप जिस भी बैंक में अप्लाई करेंगे वहां से डायरेक्टली उनके काउंसलर से वेबसाइट पर जाकर बात कर सकते हैं और डिटेल्स की। तो चलिए हम सेकंड लेंडर के ऊपर आ जाते हैं, जो कि होती है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसीज क्या होती है, बिल्कुल बैंक की तरह होती है लेकिन बैंक नहीं होती, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, ना ही ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं पब्लिक से, ठीक है। तो एनबीएफसीज आप बस इतना समझ लीजिए कि बैंक की तरह इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को बैंक के थ्रू लोन नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर दिया बैंक ने उनकी लोन को, तो वो एनबीएफसीज की तरफ आते हैं, वहां से उन्हें लोन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया में मेजर जो एनबीएफसीज हैं, चार हैं, एक है इनक्रेड, अवांस, ऑक्सिलो और एक है एचडीएफसी क्रेडिला। अगर आप इन सब के रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो वो जो बैंक के इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा ही होता है, तो अराउंड 12% 11.5% से स्टार्ट होता है और 14-15% 16% तक जा सकता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो एनबीएफसीज होती हैं इसके अंदर आपको मार्जिन मनी नहीं देनी पड़ती। अब मार्जिन मनी क्या होती है, तो जितना आपको लोन चाहिए, जितने आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो और जितना आपको बैंक दे रहा है उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिन मनी। मान लो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए लेकिन मुझे कोई एनबीएफसी वो बोल रही है हम आपको सिर्फ 30 लाख तक दे पाएंगे, 20 लाख आपको खुद से करने पड़ेंगे, जो पैसा आपको खुद से इंतजाम करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन मनी। तो वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो यहां आपको मार्जिन मनी कोई नहीं होगी। मान लीजिए आपको 40 लाख का लोन चाहिए तो ये आपको पूरा एक्सपेंस आपका कवर कर देंगे, आपको खुद से नहीं लगाना पड़ेगा। और यूजुअली जो बैंक्स होते हैं उसके अंदर आपको मार्जिन मनी रखनी पड़ती है, मतलब खुद से भी आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, सारी जो फीस है वो नहीं बैंक देता लोन, ठीक है। बाकी ये बात हो गई हमारी एनबीएफसीज की। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं एनबीएफसीज की, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता उन्हें एनबीएफसीज से लोन मिल जाता है, क्योंकि एनबीएफसीज जो है आपको बिना कोलेटरल के भी लोन दे देती हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोलेटरल होता ही नहीं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा जो एनबीएफसीज के थ्रू अगर आप लोन लेंगे तो आपको थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली बैंक्स के, तो इसलिए भी कई लोग एनबीएफसी से लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो नंबर वन तो है इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यू देखे हैं, उन्होंने ये बोला कि मैंने लोन लिया एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे, एग्जाम्पल आपने लोन लिया 13% पे, आपका 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट था वो एनबीएफसी ने बढ़ाकर 14% कर दिया, 1.5% तक, 1% तक बढ़ा दिया। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है और फिर उन्हें लगता है कि अरे तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है हमारे ऊपर, तो लोग कंप्लेंट करते हैं। ये मेजर कंप्लेंट है जो मैंने एनबीएफसी के साथ देखी है स्टूडेंट्स जो करते हैं। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई। अगर आप बैंक को देखेंगे तो बैंक जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं रखता, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एक पहली डिसएडवांटेज। इसके अलावा आप डिसएडवांटेज क्या है एनबीएफसीज की, ये सिर्फ मास्टर्स कोर्सेज के लिए आपको लोन देते हैं, और वो भी स्टेम कोर्सेज जो होते हैं, स्टेम कोर्सेज के लिए या बिजनेस कोर्सेज के लिए भी आपको मिल सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मोरेटोरियम पीरियड इसमें नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया था मोरेटोरियम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें आपको एजुकेशन लोन की रिपेमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन एनबीएफसीज के साथ क्या होता है, जैसे आपका लोन डिसबर्स हुआ आपको कुछ पार्शियल रिपेमेंट्स करनी स्टार्ट कर देनी होंगी, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और अगर आप बैंक से कंपैरिजन देखेंगे कि बैंक में होता है कि आपने पहले अपना कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको 6 महीने 12 महीने जो भी पीरियड है वो मिला, उसके बाद आप अपनी पेमेंट स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको एडवांटेज एनबीएफसीज में नहीं मिलेगी। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो कि होते हैं इंटरनेशनल लैंडर्स। तो 2 इंटरनेशनल लैंडर्स हैं, नंबर 1 है प्रोडिजी जो कि यूके बेस्ड है, और एक है हमारा एम पावर फाइनेंस जो कि यूएस बेस्ड है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के ऊपर भी बात कर लेते हैं।
प्रोडिजी जो है ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास को एप्लीकेंट नहीं है, को साइनर नहीं है, तो आप यहां जरूर जाकर कर सकते हैं अप्लाई लोन के लिए। प्रोडिजी की अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इनका अराउंड 6.5% से लेके 11.5-12% तक इनका इंटरेस्ट रेट होता है। अब देखिए प्रोडिजी से अगर आपको लोन लेना है, कब आपको लोन लेने का फायदा होगा, मान लीजिए आप यूएस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडिजी जो है यूएसडी में लोन्स को देता है, तो अगर आप यूएस जा रहे हैं, आपको यूएसडी में लोन मिला, फिर आपने वहां अपना कोर्स कर लिया, आपकी नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद आप वहां काम करने लगे, जॉब लग गई 4-5 साल, और जो अपना लोन का रीपेमेंट कर रहे हो वो यूएसडी में ही कर रहे हो, तो आपके लिए प्रोडिजी से लोन लेना ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, मान लीजिए आपने प्रोडिजी से लोन लिया, ठीक है, यूएसडी में आपको लोन मिला, अब आपने कोर्स कर लिया अपना, इंडिया वापस आ गए, INR में वापस कर रहे हो लोन, तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो प्रोडिजी से आपके लिए लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप यूएसडी में ही लोन ले रहे हो और फिर वहीं यूएसडी में, यूएस में रहकर ये जॉब कर वहीं उनका रिपेमेंट करो लोन की, ठीक है। तो प्रोडिजी भी एक आपके लिए सही ऑप्शन है, एक इंटरनेशनल ये लेंडर है। और उसके अलावा है एम्पावर फाइनेंस। एम्पावर फाइनेंस जो है ये भी एक सही ऑप्शन है, अगर आपके पास को एप्लीकेंट को साइनर नहीं है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको $50,000 तक यह लोन मिल सकता है, और पहले साल में आपको $25,000 ये डिसबर्स करेंगे, फिर $25,000, तो इस तरह आप मैक्सिमम ले सकते हैं एम्पावर फाइनेंस। भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो इनका भी अराउंड 12% के करीब ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप एम्पावर फाइनेंस और प्रोडिजी को भी देख सकते हैं। एम्पावर फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट्स करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, जब आप पढ़ रहे हैं या जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें भी आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बताए जिसके अंदर बैंक्स आए, फिर हमने बात की NBFCs की जो कि डोमेस्टिक NBFCs है, फिर ये इंटरनेशनल लेंडर्स। तो जब भी आपको लोन लेने जाना है तो आप सबसे पहले बैंक की तरफ जा सकते हो, वहां से नहीं मिल पा रहा फिर आप प्राइवेट बैंक दे सकते हो, प्राइवेट पे भी नहीं हो पा रहा NBFCs पे आओ, फिर इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो आप, प्रोडिजी और एम्पावर फाइनेंस। तो यही सारी बातें थी एजुकेशन लोन से रिलेटेड विदाउट कोलेटरल, और उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो मेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं, चाहे तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज वन ऑन वन करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करता हूं, अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।